हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको स्किल भी आप पर जॉब वैकेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कि प्लम्बर, हेल्पर, हाउसकीपिंग स्टाफ, ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन, जिप्सम कारपेंटर, टाइल्स एंड मार्बल मैसन, स्प्रे पेंटर्स, बाइक राइडर्स, एचवीएसी टेक्नीशियन, एसी टेक्नीशियन, वेल्डर्स और साथ ही और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। इन जॉब्स का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये सभी जॉब फ्री जॉब्स हैं, डायरेक्ट कंपनी की जॉब्स हैं। इन जॉब्स को आप डायरेक्टली स्किल भी ऐप से भी अप्लाई कर सकते हैं और स्किल भी ऐप आप गूगल प्ले से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूएई में हैं, जो विजिट वीजा पर आए हुए हैं या फिर उनका वीजा कैंसिल हो चुका है। और अब मेरी एग्जैक्ट सैलरी है। तो ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ दुबई में जॉब अप्लाई करने के चार तरीके। तो उसका अप्रोक्सीमेट 40-45% सैलरी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज के इंजीनियर्स के मोटिवेशन वीडियो में मैं चार तरीके बताने वाला हूँ दुबई में जॉब अप्लाई करने के लिए। और साथ ही आज के वीडियो में मैं आपको बहुत खास बात बताने वाला हूँ, बहुत ही एक सीक्रेट बात बताने वाला हूँ, वो है मेरी एग्जैक्ट सैलरी। सो दोस्तों, जो भाई लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम अनिल सैनी है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं पिछले 12 साल से गल्फ में जॉब कर रहा हूँ। और जिन भाइयों ने इंजीनियर का मोटिवेशन सीरीज के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, वो पिछले वीडियो को एक बार जरूर देखें ताकि पिछले वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में उनको पता लग सके और वहाँ पर शेयर की गई इन्फॉर्मेशन उनके काम आ सके। और हर बार की तरह मैं इस बार भी कहना चाहूंगा कि आप इन वीडियोस को स्पेशली उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं या जिन्होंने अपनी नई जॉब की शुरुआत की है, ताकि इंजीनियर्स का मोटिवेशन सीरीज में बताए गए टिप्स सभी लोगों के काम आ सके और उनको दुबई की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ स्पेशल कमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, मैं उन फ्रेशर इंजीनियर भाइयों को कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी फ्रेशर भाई को दुबई जॉब्स के लिए एडवाइस नहीं करता हूं। अगर आप दुबई में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2-3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको दुबई बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरी बात उन इंजीनियर भाइयों के बारे में है जो भाई किसी भी एजेंट के चक्कर में आके या फिर दुबई जल्दी जाने के लिए किसी भी जॉब में दुबई आ जाते हैं। एक भाई सिविल इंजीनियर है, सिक्योरिटी गार्ड में आया हुआ है। एक भाई मैकेनिकल इंजीनियर है और वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आया हुआ है, एयरक्राफ्ट को क्लीन कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंजीनियर लोग कमेंट कर रहे हैं कि उनको टेक्नीशियन जॉब में जाने का ऑफर मिल रहा है। तो मैं आप सभी इंजीनियर भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप कभी भी ऐसी किसी जॉब में दुबई मत आएं। आप होम कंट्री में अपना एक्सपीरियंस बनाएं और जब भी आप दुबई आएं तो आप इंजीनियर जॉब पर ही आएं। बहुत सारे फेक एजेंट होते हैं जो कि आपको झूठ बोल देते हैं, आप वहां पर जाकर जॉब चेंज कर लेंगे, 2 साल के बाद आप लेबर से इंजीनियर बन जाएंगे, टेक्नीशियन से इंजीनियर बन जाएंगे। और कुछ लोग तो 6 महीने के बाद ही यहां आकर जॉब चेंज करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 6 महीने के अंदर अपनी जॉब चेंज कर सकते हो। दुबई कंपनी द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट वीजा दिया जाता है वो 2 साल का होता है। और अगर आपके MOL लेटर में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेटर में लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो आप 2 साल से पहले कंपनी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कंपनी चेंज करनी है तो आपको कंपनी से NOC लेनी होगी और मोस्टली केसेस में आपको वीजा की फीस भी पे करनी पड़ेगी जो कि 5,000 दिरहम तक भी हो सकती है। और अब लास्ट बात यह है कि कुछ भाई कमेंट कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे या किसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वो जॉब नहीं कर पाए, 2-3 साल से वो घर पर थे और वो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं से एक्सपीरियंस बनवा लेते हैं या कहीं से फेक डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं तो क्या उनको दुबई में जॉब मिल सकती है। तो वैसा मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा, ऐसा करने से भी आपको दुबई में जॉब नहीं मिलेगी। तो चाहे आप किसी भी कारण की वजह से घर पर रहे, 2-3 साल आप जॉब नहीं शुरू कर सके, तो कोई बात नहीं, आप अपनी जॉब शुरू करो, 2-3 साल का एक्सपीरियंस लो और उसके बाद आप दुबई जॉब के बारे में सोचो। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं मैं आपको बताता हूँ दुबई में जॉब अप्लाई करने के चार तरीके। सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। आप होम कंट्री में 2-3 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद ऑनलाइन डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस आपका 4-5 साल का है तब आपकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। कोरोना टाइम स्टार्ट होने से पहले मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को डायरेक्ट जॉब्स मिली हैं और मोस्टली उनमें लोगों को 4-5-6 साल तक का एक्सपीरियंस था और उनको सैलरीज भी 8,000, 10,000 दिराम, 6,000 दिराम ऐसे सैलरीज मिली। और अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपको डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन कैसे करना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए भी मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर जाकर आप डायरेक्ट जॉब एप्लीकेशन के सारे तरीके देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरा तरीका है ट्रस्टेड जॉब कंसल्टेंसीज और या फिर जॉब एजेंट्स। तो एजेंट से ज्यादा मैं आपको कहूंगा कि आप बड़ी कंसल्टेंसीज के पास जाएं और उसके लिए भी आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अब आप जानना चाह रहे होंगे ट्रस्टेड कंसल्टेंसी के नेम। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने वीडियो का जिक्र किया थोड़ी देर पहले, उसी वीडियो में आपको ट्रस्टेड कंसल्टेंसी के बहुत सारे नाम भी मिल जाएंगे। दोस्तों, जॉब सर्च के लिए तीसरा तरीका है विजिट वीजा। जैसा कि सभी लोगों को मालूम है, पिछले कुछ टाइम से विजिट वीजा बंद थे, कोरोना की वजह से फ्लाइट्स वगैरह भी बिल्कुल बंद थी। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दुबई ने विजिट वीजा अब ओपन कर दिया है और अब कोई भी कैंडिडेट दुबई जॉब सर्च के लिए आ सकते हैं और साथ ही उनको क्वारंटाइन का प्रोसीजर, COVID-19 टेस्ट का प्रोसीजर और बाकी की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। उसके लिए भी मैंने डिटेल में एक वीडियो शेयर किया था कुछ दिन पहले और वो वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि विजिट वीजा पे आने पे जॉब सर्च कैसे करनी है। तो दोस्तों, विजिट वीजा में आकर जॉब सर्च करने के लिए मेन तरीके हैं जैसे कि न्यूज़पेपर में ऐड डालना,
अलग अलग कंपनीज को विजिट करना और साथ ही वेबसाइट जैसे कि डिविजन में ऐड डालना जॉब सर्च के लिए। और एक बहुत ही अच्छा तरीका है मोबाइल ऐप्स के थ्रू जॉब सर्च करना, जैसे कि मोबाइल ऐप है आई वांट टू वर्क और दूसरी मोबाइल ऐप है स्किल बी। इन ऐप से भी बहुत से लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। सो इन सभी जॉब सर्च टिप्स को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू सर्च जॉब इन दुबई ऑन विजिट वीजा। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी जो कि आपके जॉब सर्च में काम आएगी। अब अगला तरीका है जॉब सर्च थ्रू डायरेक्ट रेफरेंस, आपके किसी रिश्तेदार, जानने वाले, किसी दोस्त की रेफरेंस के साथ या किसी कंपनी में आपकी जान पहचान के साथ। और इसमें बिल्कुल भी हैरान होने वाली बात नहीं है कि दुबई में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी रेफरेंस से दुबई में आए थे और दुबई में जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये है दुबई में जॉब सर्च के चार तरीके और इन चार में से दो तरीके ऐसे हैं जिनमें सक्सेस रेट ज्यादा है। सबसे ज्यादा तरीका जो यूज किया जाता है वो विजिट वीजा जॉब सर्च, उसके बाद अगला तरीका है ट्रस्टेड कंसल्टेंसी के थ्रू और उसके बाद किसी रेफरेंस के थ्रू और सबसे लास्ट में है ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन। तो ये तो मैंने बताया आपको सक्सेस रेट के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा फेक जॉब्स के चांसेस किस केस में है। तो सबसे ज्यादा फेक जॉब्स के केसेस पाए जाते हैं ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशंस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल पर सारी तरह की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फेक जॉब्स के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो जो भाई लोग ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन के बारे में सोच रहे हैं वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। चलिए दोस्तों, ये थी जानकारी दुबई में जॉब सर्च के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आप लोगों के काम आएगी। इस सीरीज के बाकी वीडियोस आपको चैनल के पेज पर दिखाई नहीं देंगे, पर अगर आप चैनल पर दी गई प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी सैलरी के बारे में। और मेरी एग्जैक्ट सैलरी के बारे में बताना इंटरेस्टिंग तब रहेगा जब मैं आपको स्टार्टिंग से लेके और बीच की सैलरी और उसके बाद की सैलरी और मेरी करंट सैलरी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी स्टार्टिंग सैलरी। जब मैंने पहली जॉब शुरू की थी 15 जून 2006 को, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 3,500 रुपए और वहां पर काम करने के बाद 6 महीने के बाद मेरी सैलरी इंक्रीज हुई थी। 500 रुपए मेरी सैलरी हो गई थी 4,000 रुपए। और उसके अगले ही महीने मैंने पंजाब के एक बहुत बड़े ग्रुप जिसका नाम ट्राइडेंट ग्रुप है, उस ग्रुप में इंजीनियर की जॉब के लिए रिटर्न टेस्ट दिया था। तो उस ग्रुप में मुझे सैलरी मिली थी 10,000 रुपए। तो उस कंपनी में 6 महीने काम करने के बाद मैंने कंपनी चेंज कर दी थी और मैंने एक नई MNC कंपनी ज्वाइन की थी जिसका नाम था लैटन कॉन्ट्रैक्टर इंडिया, और वहां पर जॉब करने के बाद मुझे सैलरी मिली थी 16,000 रुपए। और उस कंपनी में एक साल काम करने के बाद इंक्रीमेंट मिला था तो मेरी सैलरी हो गई थी 20,000 रुपए। और आपको बताना चाहता हूँ उसी कंपनी के थ्रू मैं दुबई आया था। उस टाइम में उस कंपनी को दुबई में नए प्रोजेक्ट मिले थे और जिस प्रोजेक्ट पर मैं इंडिया में था वो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था कंपनी का। सो अगस्त 2008 में जब उस कंपनी के थ्रू दुबई आया था तो हमको सैलरी मिली थी 3,500 दिराम और उसी कंपनी में 2 साल काम करने के बाद और फिर मेरी सैलरी बढ़कर हो गई थी 5,000 दिराम। और 2012 में मैंने वो कंपनी चेंज कर दी थी, दुबई की एक कंपनी जिसका नाम अल्फुतेम है, उनको कतर में एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला था, उस प्रोजेक्ट के लिए उनको स्टाफ की रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने वहां जाकर कतर के लिए इंटरव्यू दिया था और वहां पर मुझे ऑफर मिला था 8,000 दिराम। तो 2012 में मैं कतर गया था, कतर जाने के बाद 2 साल काम करने के बाद 2014 में मुझे फिर से इंक्रीमेंट मिला था और ये वो टाइम था जब मेरी मैरिज हुई थी। तो कंपनी ने मेरा स्टेटस सिंगल से मैरिड स्टेटस कर दिया था और साथ ही सैलरी 8,000 दिराम से बढ़कर 10,000 दिराम कर दी थी। तो दोस्तों, उसी कंपनी में काम करते करते कतर में रहते रहते मुझे अगला इंक्रीमेंट मिला 2016 में और उस टाइम पे मेरी सैलरी 10,000 दिराम से बढ़कर 14,000 दिराम हो गई थी। और अब दोस्तों, 2017 में उस कंपनी का प्रोजेक्ट वहां पर पूरा हो गया था, उसी कंपनी के साथ मैं वापस दुबई आ गया था और वापस उसी कंपनी के साथ दुबई आने के 3-4 महीने के बाद मैंने वो कंपनी चेंज कर दी थी और 2017 के लास्ट में ही मैंने नई कंपनी ज्वाइन की थी जो कि मेरी करंट कंपनी है और दुबई की टॉप 10 कंपनीज में से एक है। तो दोस्तों, इस कंपनी में मेरी सैलरी 14,000 दिराम से बढ़कर हो गई 18,000 दिराम। और दोस्तों, उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद मुझे फिर से इंक्रीमेंट मिला और अब मेरी एग्जैक्ट सैलरी है 21,000 दिराम। तो दोस्तों, ये है मेरा सफर 3,500 रुपए से लेकर 21,000 दिराम तक, जो कि सन 2006 से लेकर 2020 14 साल का सफर है। भाई साहब, जैसा कि मैंने अपनी सैलरी के बारे में बताया, आपको डिटेल्स बताई सैलरी की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, तो कुछ भाई अब जानना चाह रहे होंगे कि मेरे मंथली खर्चे कितने हैं। तो दोस्तों, उसके लिए भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं दुबई में। आपकी जानकारी के लिए बताया था कि यूएई में अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है तो उसका अप्रोक्सीमेट 40-45% सैलरी उसका एक्सपेंसेस में चला जाता है। कहने का मतलब है कि जितनी सैलरी आपको मिलेगी उसका 40-45% आपका यहाँ पर खर्चा हो जाएगा फैमिली को रखने के लिए। और हमारे एक्सपेंसेस भी आप डिटेल में देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इंजीनियर का मोटिवेशन सीरीज आप लोगों के बहुत काम आई होगी। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कंक्रीट कास्ट करने के बाद उसको कितने दिन तक क्योरिंग की जाती है, तो उसका सही जवाब है 28 डेज। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो इंजीनियर की मोटिवेशन सीरीज का लास्ट वीडियो है और आने वाले वीडियोस में मैं जॉब से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड या और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा चैनल पर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस मिलते रहें। और साथ ही सभी इंजीनियर भाई से रिक्वेस्ट है कि आप हमारा नया चैनल दुबई वाली फैमिली जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सपोर्ट करें। इस चैनल पर भी आपको दुबई की लाइफ के बारे में, डेली लाइफ के बारे में और भी बहुत सारे टिप्स दिन ब दिन मिलते रहेंगे। थैंक्स अगेन, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। Every time we say goodbye.
They all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try.